गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोर्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ फूड क्या होता है? सबसे पहले तो सोर्स होता है स्रोत, और फूड का मतलब होता है भोजन के स्रोत। ठीक है, भोजन के स्रोत की बात कर रहे हैं हम, तो पहला जो आता है बच्चों कि भोजन के स्रोत है, फूड की वैरायटी की बात करेंगे हम। सबसे पहले फूड की वैरायटी की बात करते हैं तो हम फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, दाल चावल चपाती, मतलब बहुत सारे मतलब फूड आइटम्स हैं। मांस भी खाते हैं काफ़ी, एग्स भी खाते हैं, चीज़ पनीर मक्खन घी जो भी खाते हो आप। ठीक है, वो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब सारी चीज़ें हमें सभी चीज़ों का जिनका हमने जिक्र किया अभी, जितने भी चीज़ें हमने अपने आसपास खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, सभी का हमने जिक्र किया, वो वैरायटी ऑफ फूड में आ जाएंगी। लेकिन वैरायटी ऑफ फूड के बजाय हम उन आइटम्स को अगर इकट्ठे कोई चीज़ है उनको क्या बोलेंगे? सबसे पहले फूड क्या होता है? फूड क्या होता है? जो चीज़ें हम खाते हैं वो फूड है। अब वो बनता किससे है उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं? इंग्रेडिएंट्स अगर ये बात की जाए, द रॉ मेटीरियल्स नीडिड टू प्रिपेयर फूड, यानी वो कच्ची मटेरियल या कच्चा कह सकते हो सामान जो हमें जरूरत पड़ता है या जिसकी हमें जरूरत होती है, किसको बनाने में? फूड को बनाने में, वो क्या कहलाते हैं? इनग्रेडिएंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लगा लो, आपने एक आपको चावल बनाने हैं, ठीक है, जर्नल से एग्जांपल लेते हैं, चावल बनाने हैं, तो चावल बनाने के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो कच्चे चावल होने चाहिए, पानी होना चाहिए, ठीक है, और एक मतलब बर्तन जिसमें हमें वो बनाना है, प्लस में ईंधन गैस स्टोव जो यानी रॉ मटेरियल वो तो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर कच्ची चीज़ों की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले रॉ मटेरियल में क्या आएगा? राइस आएगा। राइस होने जरूरी है तभी हम उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये हो गया इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अब हमारा सोर्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो सोर्स ऑफ फूड के टाइप आते हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ फूड। जैसा हमने बताया, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, ठीक है, किसके? भोजन के स्रोत। अब कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें मतलब कह सकते हो कि फूड के होते हैं? सबसे पहला स्रोत है वो क्या है? प्लांट्स। पहला स्रोत क्या है? प्लांट्स। और दूसरा एनिमल्स, ठीक है, पहला स्रोत है प्लांट्स से, और सेकंड स्रोत हमारा क्या है? एनिमल्स से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट्स की बात आती है तो प्लांट्स में देखो, आप फलदार जितने भी पौधे हैं, ठीक है, फल देने वाले, उसमें जितने भी फ्रूट्स हैं उनके, वो सारे क्या आएंगे? प्लांट्स से मिलते हैं। जैसे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के लीव्स भी खाते हैं, ठीक है, फ्लावर भी खाते हो आप लोग, फ्रूट्स भी खाते हो, रूट्स भी खाते हो, स्टेम भी खाते हो, मतलब हर पार्ट हम लगभग प्लांट्स के हम खाते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स अपना भोजन कैसे करते हैं? प्लांट्स का फूड प्रिपेयर करने का हमने सुना होगा एक फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, जिसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या करता है जो प्लांट है, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लस में वाटर, प्लस में सनलाइट, प्लस में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो अवेलेबल रहती है। तो ये फूड फ्रॉम। अब फूड फ्रॉम प्लांट्स में हमने बात की कि प्लांट्स के तो सभी पार्ट हैं जो हम खाते हैं,
तब उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उन पार्ट्स को क्या बोलेंगे। अब हम प्लांट्स के लीव्स भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, तो जो खाने योग्य चीजें हैं उनको बोलते हैं ईडिएबल। क्या बोलते हैं? ईडिएबल पार्ट्स। ईडिएबल पार्ट्स कौन से होते हैं? ईडिएबल्स की बात, द पार्ट ऑफ प्लांट, यानी इसको अगर डिफाइन करेंगे, द पार्ट ऑफ प्लांट, यानी पौधे का वो हिस्सा, ठीक है, विच कैन बी ईटन, ठीक है, क्या है? द पार्ट ऑफ प्लांट विच कैन बी ईटन, जो खाया जा सके, आर कॉल्ड ईडेबल पार्ट। ईडेबल उसको क्या बोलेंगे? प्लांट का खाने योग्य हिस्सा। जैसे अब हिस्से की बात करते हैं, तो जैसे फ्लावर खाते हैं, फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, स्टेम, सीड्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे क्या हैं? उसके पार्ट है, ETC लगा लो आगे, एक्सेट्रा हो जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से पार्ट हैं जो खाने में आते हैं, ठीक है, उनके बारे में अभी यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब प्लांट्स के जो पार्ट है, ईडेबल पार्ट है, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले आता है, पहला पार्ट मान लो आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, रूट्स, कैरोट की रोटी खाते हैं हम, ठीक है, रेडिश, कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, ठीक है, potato. उसके बाद पोटैटो नहीं बोलेंगे, ठीक है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पोटैटो क्यों नहीं खाते, सुनो, पोटैटो क्यों नहीं खाते बेटा, पोटैटो का हम तना होता है, जो हम खाते हैं वो उसका स्टेम है, आप ये बात ध्यान रखना, स्वीट पोटैटो है उसके हम रूट खाते हैं, लेकिन जो पोटैटो की बात कर रहे हो आप, ठीक है, वो क्या है, स्टेम है उसका, क्या है, स्टेम है। एक है और टर्निप, ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना तुम, स्वीट पोटैटो का तो हम क्या खाते हैं, रूट्स, और पोटैटो का स्टेम खाते हैं, क्या खाते हैं, स्टेम्स। अब स्टेम्स की बात आएगी तब आएगा पोटैटो, यानी पोटैटो यहां पे आएगा, हम तना खाते हैं उसका, ठीक है, पोटैटो, शुगर केन, शुगर केन पता है आपको, गन्ना होता है, ठीक है, और ऑनियन, ऑनियन का भी हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं, ऑनियन, पोटैटो, इनका क्या खाते हैं हम, स्टेम खाते हैं। और अगर नेक्स्ट आएगा जिंजर, जिसको क्या बोलते हैं, अदरक, फिर आता है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, अब हमने रूट खा लिया, स्टेम, उसके बाद नेक्स्ट आएगी लीव्स, लीव्स किसकी खाते हैं, स्पिनच, स्पिंच, स्पिंच का क्या खाते हैं आप, मिंट, फ्रूट होते हैं टमाटो, ठीक है, मिंट, उसके बाद कैबेज खाते हो ना, कैबेज, फूल गोभी, ठीक है, और लेट्यूस, ठीक है, अब आता है फ्लावर, नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर, किस किस के खाते हो तुम, सबसे पहला आता है कॉलीफ्लावर, खाते हो ना कॉलीफ्लावर, जिसको फूल गोभी बोलते हैं हम, घिया को लौकी बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलेंगे, दिमाग से देखो निकल रहा है अभी, इजी सा, बनाना फ्लावर, चलो बताएंगे, आने दो, बनाना फ्लावर, सन फ्लावर, ठीक है,
सनफ्लावर। इसके बाद आता है फ्रूट। फ्रूट्स तो आपको बहुत ज्यादा सभी याद होंगे, फ्रूट्स जो खाते हैं, ठीक है, एप्पल, बनाना, गवावा, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, फ्लावर्स आ गए। फ्लावर फ्रूट्स तो आपको पता ही है। उसके बाद हम करते हैं वेजिटेबल्स का भी पता है आपको, वेजिटेबल्स जो जो खाई जाती हैं, ठीक है, बीन्स, कुकुम्बर, ब्रिंजल, ये सब क्या है, वेजिटेबल्स है। सीड्स की बात करते हैं तो व्हीट, राइस, ठीक है, मेज, ये सब खाने वाली जो आते हैं। फिर आते हैं नट्स, नट्स, केश्यू नट्स, ठीक है, ग्राउंड नट्स, आलमंड्स, वो सब क्या है, नट्स है, आलमंड्स, ठीक। ये तो हो गए हमने जो प्रोडक्ट खाए किससे, यानी प्लांट से, जो 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 हमें सोर्स ऑफ फूड की बात कर रहे हैं, जो जो हमें किससे मिले, प्लांट से मिले थे, उन सभी प्लांट्स के बारे में, उनके नाम, उनके जो पार्ट्स हैं, इडेबल। अब ये जितने भी पार्ट्स हैं जो हमने प्लांट्स के जो हम खाते हैं, वो क्या आएंगे, इडेबल पार्ट्स, यानी जो पार्ट्स हम प्लांट के खाने योग्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इडिएबल प्लांट्स, ठीक है, इडिएबल पार्ट्स या इडिएबल पार्ट्स बोलेंगे, इडिएबल पार्ट्स। अब इसका ध्यान रखना, क्योंकि आपने, हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है किन किन प्लांट